हार के बाद बौखलाई शाहरुख खान की टीम, बदल दिया पूरा प्ले 11। आज का महामुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं बात करें दोनों टीमों की तो आरसीबी अपना मुकाबला जीत कर आई है, वहीं केकेआर को पंजाब किंग के साथ हार का सामना करना पड़ा। वहीं आपको हम बता दें केकेआर की टीम में इंग्लैंड के महान ओपनर जॉनसन रॉय की वापसी हुई है। वहीं केकेआर की टीम बैटिंग लाइनअप कमजोर होने का कारण अपना पहला मुकाबला हारी थी। वहीं जॉनसन रॉय के आ जाने से ओपनर की समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं बात करें कोलकाता नाइट राइडर और आरसीबी के आज के मैच की तो आज का मैच फिल्म सुपरस्टार शाहरुख खान आ रहे हैं कोलकाता के ईडन गार्डन में। तो चलिए देखते हैं आज का प्ले 11 क्या रहने वाला है। केकेआर के कप्तान नीतीश राणा, रमजुल्ला गुलवर्स, जॉनसन रॉय, अनुकूल रॉय, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंध्र रसेल, शार्दुल ठाकुर, सुनील नारायण, टीम साउथी उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती रहने वाले हैं। अब बात आरसीबी के प्ले 11 के करें तो आरसीबी अपना पहला मुकाबला जीत कर आरसीबी के कप्तान किसी भी प्रकार का अपना टीमों के साथ रिक्स नहीं लेना चाहती और किसी भी प्ले 11 को चेंज किए जो पहले मैचों में टीम खेली थी वही सेम टीम खेलेगी। आरसीबी के प्ले 11 इस प्रकार हैं। कप्तान फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, माइकल बोरवेल, शहबाज अहमद, करण शर्मा, हर्षल पटेल, आकाशदीप, एसर ट्रॉफी, मोहम्मद सिराज। तो आज के इस मुकाबले में कौन जीतेगा? केकेआर बाजी मारेगी या फिर से आरसीबी दूसरी बार अपनी टीम को जीत दिलाएगी और प्लेऑफ के लिए 4 पॉइंट लेकर जाएगी, या फिर केकेआर अपना खाता खोल पाएगी इस कोलकाता के ईडन गार्डन होम ग्राउंड में। वहाँ पर शाहरुख खान भी, इनके टीम के मालिक भी आ रहे हैं, तो देखना होगा कौन सी टीम जीतती है।